packaged in the book. Now, the word of God. He has been packaged in the book. In the word of God. थोड़ा सा पीछे से, थोड़ा सा पीछे चले जाइए ना आप लोग। अरे बैठ जाइए एसपी जी। सामने 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 दीजिए सामने। ऐसा लग रहा है कि एसपी जी सामने गाजर मूली की तरह। हाँ नीतीश कुमार जी ने राजधर्म को नागपुर में गिरने रखने का काम किया। इधर एसपी जी और पूरी तरीके से अपराधियों, बलात्कारियों, हत्यारों को नीतीश कुमार जी ने बिहार के सामने गिरवी रखने का काम किया। और जितने भी बिहार के थाने हैं उसकी बोली नीतीश कुमार जी ने लगवाने का काम किया। बिहार में जिस प्रकार से लगातार कोर्ट जो है नीतीश कुमार जी को फटकार पे फटकार लगाने का काम कर रही है, चाहे कोई घोटाले को लेकर के हो या मुजफ्फरपुर जो आपराधिक मामले को लेकर के हो, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है कोर्ट की फटकार सुनने में। तो बिहार में जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे कोई अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, आम नागरिक हो, व्यवसायी हो या नेता हो, कोई ऐसा बचा नहीं बिहार में जिसकी रोज डेली आप देख सकते हैं कि हत्या की जा रही है। आज भी हुई, कल भी मुजफ्फरपुर में हुई। तो आप देखिए, चाहे कोई भी डॉक्टरों का अपहरण कर करके उनके बच्चों का अपहरण कर दिया जाता है, इंजीनियरों को धमकी दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टरों को धमकी दी जाती है, और धमकी देने वाले जो होते हैं जनता दल यूनाइटेड के विधायक रहते हैं। जिस प्रकार से अपराध अपराधियों के सामने नतमस्तक होकर के सुशील मोदी जी हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने का काम कर रहे थे, 15 दिनों से वो अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, 15 और उनका जो हाथ जोड़ना अपराधियों के सामने देखिए ना काम नहीं है। हमने लगातार जो है ट्वीट के माध्यम से उनसे जवाब मांगा। अब तो बीजेपी के कई ऐसे MLC हैं या बीजेपी के लोग हैं, अब वो सवाल उठाने लग गए हैं कि हम लोग बड़ा झूठ मूठ का बोलते थे, जंगल राज जंगल राज, लेकिन अब जो आया है वो कौन सा राज है ये बताने लगे। हम लोगों ने पहले भी बताया था कि ये बिहार में पूरी तरीके से आतंक राज कायम हो चुका है और बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, क्योंकि अपराधियों को पूरी तरीके से राज्य सरकार में बैठे हुए मुखिया, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और जब किसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके अपराधियों के सामने निवेदन करेगा, अपील करेगा कि 1-2 महीना के लिए अपराध मत कीजिए, उससे तो अपराधियों का मन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री की छुट्टी, विधानसभा में हम लोगों ने कई बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाया, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, लेकिन होम मिनिस्ट्री का जितना भी सवाल है आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट का जो प्रश्नकाल उत्तर जो सेशन होता है उसमें से पूरे वर्ग को ही हटा दिया गया। मुख्यमंत्री आप इसे गंभीर नहीं समझते। और देख लीजिए मुख्यमंत्री कितने चिंतित हैं बिहार वासियों के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, लेकिन उनको बिहार की सुरक्षा से लेना देना नहीं है, उनको केवल और केवल अपने सीट बंटवारों को लेकर के वो चिंतित हैं और अपने कुर्सी बचाने के लिए वो चिंतित हैं। बिहार की जनता देख रही है, उप मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री थे वो भी अपने सीट बंटवारे के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में वो घूम रहे हैं। बिहार को पूरी तरीके से एकदम इग्नोर किया जा रहा है।